आपका अपने वीडियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है माय ब्यूटी ब्लॉग। आज मैं आपको विंटर्स के बारे में कुछ बता रही हूँ। विंटर्स में हम अपनी स्किन को कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। विंटर्स में हमारी आम स्किन जो है एकदम ड्राई हो जाती है, पैर फटने लग जाते हैं, तो उसी के लिए आपको कुछ आसान से टिप्स बताऊँगी जिससे हमारे फेस भी स्मूथ रहे, पैर भी, हाथ भी हमारे ड्राइनेस फ्री रहें। तो चलिए हमें टिप्स बताना शुरू करती हूँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहला टिप्स है ये पानी। पानी आप ज़रूर पीजिएगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पानी ज़रूर हमें पीना चाहिए। पानी जो होता है हमारी स्किन को एकदम बढ़िया करके चमक रहती है चेहरे के ऊपर, इसे कभी झुर्रियाँ पड़ती नहीं है, कभी ड्राइनेस नहीं होती है। तो इसलिए जो पानी होता है ये एक मेडिकल होता है जो हमारे स्किन के लिए ग्लो करता है। तो इसलिए आप ज़रूर पानी ज़रूर आप विंटर्स में पिया कीजिए, चाहे थोड़ा पीजिए लेकिन पिए ज़रूर पानी। आप चाहे गर्म करके पानी पीजिए, नॉर्मल वाटर लीजिए, लेकिन पानी आपको ज़रूर लेना चाहिए विंटर्स में। ये है मेरा पहला टिप्स। सेकेंड टिप है ये गुलाबरी गुलाब जल। ये स्प्रे होता है फ्रेंड्स, और आप इसे सोने से पहले ज़रूर इसे स्प्रे कीजिए अपने फेस पे। जब हम फेस वॉश कर लेते हैं तो इसे ज़रूर स्प्रे कीजिए, और सुबह मॉर्निंग में भी कीजिए। ये हमारे चेहरे को बहुत गुलाब जैसा एकदम खिला खिला रखता है विंटर्स में। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये विंटर्स का बेस्ट एक दूसरा टिप्स है ये। और थर्ड टिप्स है फ्रेंड्स मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारी चेहरे को मॉइस्चर करके रखता है, उसे ड्राई होने से बचाता है। तो आप किसी भी ब्रांड का एक ज़रूर अच्छे ब्रांड्स का मॉइस्चराइजर यूज़ करिए। मैं तो इसका निविया का करती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मैं इसे बहुत लाइक करती हूँ इसे लगाना। सेकंड है ये पॉन्ड्स, और फिर ये खादी का है एक, इसे मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत नाइस इसके रिज़ल्ट हैं। तो इसलिए आप अपने फेस पर मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइए, इससे हमारी स्किन जो है एकदम स्मूथ रहती है और ड्राई से फ्री रहती है। और इसे हाथ पैरों में आप फेस में यूज़ कर सकते हैं। इसे सुबह उठ के मुँह धोने के बाद भी इसे यूज़ कीजिए, और रात को सोने से पहले भी इसे ज़रूर मॉइस्चराइजर को यूज़ कीजिए। और आप फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारी विंटर्स में स्किन को बहुत अच्छी केयर करते हैं। आप ये ऑरेंज भी खा सकते हैं, पपीता भी खा सकते हैं, जो हमारी स्किन को बहुत स्मूथ और गोरा रखते हैं। इसलिए आप ये फ्रूट्स ज़रूर फ्रेंड्स खाइए विंटर्स में। अब फ्रूट्स का तो फ्रेंड्स साथ साथ में एक फ़ायदा और भी है, आप इसे खा भी सकते हैं और फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा चेहरा जो है खिला खिला सा नज़र आए, एकदम ग्लो आने लग जाता है फेस का। निकालने जूस अगर हम फेस पे निकाल लें फ्रूट्स का, तो अगर जूस हम फेस पे लगाते हैं तो हमारा चेहरा एकदम खिल जाता है। तो इसलिए इसके डबल फायदे हैं, खाने से भी फ़ायदा है और फेस के ऊपर लगाने से भी फ़ायदा है। और गाइस विंटर्स के लिए आपको एक सिंपल सा इजी सा टिप्स बता रही हूँ, वो भी पैक का, फेस पैक का। फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे भी, पैरों पे भी, ताकि हमारी स्किन जो है ड्राई होने से बची रहे। बहुत इजी है ये फ्रेंड्स, हमें सिर्फ एक चम्मच बेसन चाहिए। ये मैंने एक चम्मच इसलिए लिया है क्योंकि खाली एक फेस पे लगाना है, अगर हमने हाथ पैरों पे लगाना है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और आप इसमें फ्रेंड्स एक चम्मच शहद ऐड करेंगे इसमें, ये बेसन के साथ एक बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है। एक चुटकी इसमें हल्दी ऐड कर दीजिए, बस ये तीन चीज़ें आपको मिलानी हैं, इन्हें मिक्स करिए और अपने फेस पे 15-20 मिनट के लिए लगा लीजिए। 15-20 मिनट्स फेस पे रखना है फ्रेंड्स इसे, फिर इस नॉर्मल वाटर से पानी से चेहरे को धो दीजिए फेस को, उसके बाद चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगा लीजिए फ्रेंड्स। देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसे फ्रेंड्स। जो मैंने आपको विंटर्स के हैक्स बताए हैं, आप इन्हें ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपके फेस पे बहुत ग्लो आएगा, हाथ पैर भी फटने से बचेंगे। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।